नागालैंड के सबसे ओल्डेस्ट मैन, आपका नाम क्या है सर? आपका जो फिटनेस है उसका राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस? चार बच्चे इनके मर चुके हैं, डेथ हो गया उनका, और अंकल का जवानी का फोटो है, और ये अंकल अभी हैं। भाई हैंडसम है, भाई पूरा हैंडसम है अभी भी। ताली मारो। सो भाई कैसा है मेरा भाई? बढ़िया होगा, अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है? सो वेलकम टू टुंगशांग डिस्ट्रिक्ट भाई, और हम हैं अभी चारे गांव में। हैंडसम भैया हेलो। हेलो, कैसे? अच्छा है। ये है संगथम ट्राइब से। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? हम छरी विलेज सर, मेन विलेज। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। क्या है वहाँ पे? इनके दादाजी हैं जो कि 119 साल के हैं भाई, सबसे ओल्डेस्ट, नागालैंड का सबसे ओल्डेस्ट मैन। नागालैंड के सबसे बूढ़े इंसान से मिलने जा रहे हैं भाई, एक अलग ही बात है, मज़ा आएगा। लेट्स गो। कुत्ता भी है? कुत्ता काट दो तो नहीं है ना? हेलो, किन्हीं कहाँ से? बाला से। नमस्कार, नमस्ते, कैसे हो? सो ये हैं नागालैंड के सबसे ओल्डेस्ट मैन, और भाई हम उनके साथ। नागालैंड के सबसे ओल्डेस्ट मैन, आपका नाम क्या है सर? व्हाट्स योर नेम? फोर लंबा। आपका उम्र कितना हो रहा है? 109 ईयर्स के हो आप? अभी भी स्ट्रांग लग रहे हो यार, बहुत स्ट्रांग हो आप। सो गाइस ये हैं ओल्डेस्ट मैन। तो आपका जो फिटनेस है उसका राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस? समझ पा रहा हूँ कि वो सिगरेट नहीं पीते थे, दारू नहीं पीते थे, है ना? सो गाइस 109 साल के हैं भाई, 109 साल के हैं अभी तक, मतलब फिट है भाई, चलते हैं, बोलते हैं, अच्छे से सुन सकते हैं भाई, मतलब और क्या चाहिए इंसान को इतना लंबा उम्र। करते हैं ना? हाँ ये करते हैं भाई, योगा करते हैं, योगा करते हैं। और खाने में क्या खाते हो? खाने में खाना क्या खाते हो? खाना मतलब पूरा बॉइल्ड खाते हो, मसाला खाते हो? बॉइल्ड या मसाला? बॉइल्ड खाते हो ना? बॉइल्ड खाना भाई, ये बॉइल्ड खाना खाते हैं, और नागालैंड में भाई यही कल्चर है, यहाँ पे लोग बॉइल्ड खाना खाते हैं, मसाला कम खाते हैं, ताकि बॉडी फिट रहे, स्ट्रेंथ रहे। और भाई मानना पड़ेगा भाई, 109 साल, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चा चार बच्चे इनके मर चुके हैं, डेथ हो गया उनका, और चार हैं अभी, है ना भाई? और पोते कितने? पोते ग्रैंडसन 20-30 है भाई, 20-30 पोते हैं इनके यहाँ पे, और ये अभी तक सबको देख रहे हैं भाई, बहुत लकी इंसान है, और एक तरह से अनलकी भी हैं, क्योंकि इनके जो चार बेटे थे उनका डेथ हो गया है। बेटे का डेथ हुआ है क्या? चार सब बेटा ही है, सब मतलब आठों इनके बेटे ही थे भाई, इनके आठों बेटे ही थे। हाँ, और चार बेटे का डेथ हो गया, तो ये एक तरह से एक वो भी है, अनलकी भी है कि अपने बेटे को मरते हुए भी इन्होंने देख लिया है, तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन एक तरह से ये एक इंस्पिरेशन है जो आजकल के युवा हैं, जो शराब सिगरेट दारू गुटखा खाते हैं, तो वो हमें मतलब गुटखा सिगरेट शराब उनसे दूर रहना चाहिए। मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी कुछ नशा ना करूं, कभी नहीं करूं। क्या है अंकल? ये देखो भाई, पढ़ाई भी करते हैं हम लोग। अंकल कुछ ढूंढ रहे हैं दिखाने के लिए हम लोगों को, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं भाई। 109 साल के इंसान के साथ मैं भी बातें कर रहा हूँ। वाइफ? अच्छा इनकी वाइफ है ये। हाँ। वाइफ आपका? वाइफ है ना? देखो ये फोटो भी काफी पुराना है ना। हाँ, बचपन में वो। क्या बात है, हैंडसम गाय है, हैंडसम मैन। आपका नाम क्या था? पुरलंबा भाई। ये तो भाई लग रहा है इसमें तो, अभी दादाजी हो गए हैं भाई। ये देखो भाई फोटो,
और ये उनका ये है ना दोनों साथ में, उसका वाइफ साथ में, वाइफ हस्बैंड। वाइफ का नाम क्या था? मयंगला। मयंगला, क्या बात है। इट इज माय सर्विस। क्या ये सर्विस? फर्स्ट ट्रेन गया सर्विस ना। अच्छा, इनका सर्विस था पहले ये पुरलम्बा। क्या बोल रहे हैं? उसने लिखा है वो गाना। अच्छा, ये आपने लिखा है पूरा? उसने लिखा है वो भाई। ये पूरा गाना जो है ना, जो गाना है जिहोवा ईसान नायरू ना, ये आपने लिखा है? अंकल ने लिखा है। गॉड इज माय हार्ट। गॉड इज माय हार्ट। गॉड इज माय हार्ट भाई, भगवान दिल में है। भगवान दिल है क्या भाई? बहुत सही यार। गाना लिखते हैं पकड़ना। ओह क्या बात है। ओके सो दोस्तों, ये अंकल का जवानी का फोटो है और ये अंकल अभी हैं भाई। हैंडसम है भाई, पूरा हैंडसम है, अभी भी हैंडसम लग रहे हैं, पूरा जवान फिट। यू आर फिट एंड हैंडसम नाउ आल्सो, थैंक यू। और जो घर है भाई, पुराना टीवी यहाँ पे, बढ़िया। क्या बात है भाई, अंकल रेडियो में सुनते हैं भाई, यहाँ पे इनका रेडियो का शौक है इनको। यू आर राइटर, आप कुछ बोल सकते हो क्या? पोएम सुनाओ अपना। ओके तो कुछ सुनाओ। ये एक सॉन्ग कंपोजर है, तो कुछ पूछ रहा हूँ इनसे, कुछ अगर कुछ सुना सके तो कुछ सुना हम लोगों को सॉन्ग। की मासा कद अच्छी क्या ना की खत छोटा था कि ना हां की मासा कद ईसा ना था बा ना लंबे बा कद या या छा 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 बेरा ना करना छा जों ना छा और भाई छा जों भाई जलाए कुछ सुना दो। अच्छा सर, प्लीज प्लीज भाई शांत रहो, मैं सुनने जा रहा हूं। ठीक है, मैं ना क्या छा कुछ भी अपने मन से। एक यारी या लोग ताली मारो। क्या बात है भाई, अंकल के वॉइस में दम है भाई, सिंगर है भाई। यू हैव अ गुड वॉइस, आपकी वॉइस अच्छी है, बहुत अच्छा वजन का। और भाई ये है हमारे अंकल जी मिथुन। हाँ मिथुन, मिथुन 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 हलाकोरा। हलाकोरा जो मीनिंग तो गांव बुरा मुखिया, गांव बुरा विलेज। हाँ सेम। और हाँ नाव खोले माने रोगी हीन हला गुरा के नहीं पीली दो होला है। क्या बोल रहे हैं? ना खूं बाजा अटे जा क्या से रोले यों उसका है दो, वो मॉर्निंग हो रहा है। हाँ मॉर्निंग होता है ना। अच्छा सुपर। और फजा हों जो फजा हों जो फजा हों जो कुत्ता हल्ला कर रहा है तो वो अजनबी बोलते हैं कि स्ट्रेंजर वो आ रहा है। ओके ओके ओके। मीनिंग क्या आवाज है अंकल का भाई, अभी भी 109 साल में इतना अच्छा सुरीला आवाज। और ये पहले एक सॉन्ग कंपोजर थे, इनको गाने का शौक है भाई, रेडियो सुनते हैं भाई। क्या बात है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया यहाँ पे आके। और संगम ट्राइब मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, इतने बड़े इंसान हैं और ये एक इंस्पिरेशन हैं सबके लिए। थैंक यू हमारे एनसी भाई जिन्होंने ये पॉसिबल करवाया। एनसी भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छे इंसान है ये, और सारे अच्छे इंसान हैं। ये भाई भी अच्छा है, इसका इनका भाई है और वो भी भाई अच्छा, डॉन हमारा गाँव का डॉन। सो भाई काफ़ी अच्छा लगा भाई, एक इंस्पिरेशन, मज़ा आया अंकल से बात करके। एक अलग जोश है उनमें, एक अलग जोश है, एनर्जी है भाई इस उम्र में भी, 109 साल के अंकल हैं। अरे भाई मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, जोश था भाई अंकल में, जोश। तो ये अंकल को बाय बोलता है। अंकल जी बाय बाय, टाटा बाय बाय, जा रहा है। हाँ क्या बोल रहे हैं?
बाय बाय टाटा। ये घर अंकल का, अंकल यहाँ पे खाना बनाते हैं और ये है अंकल का रूम, वो टीवी। बाय बाय टाटा, सी यू। सो भाई हाँ, वाज ऑसम मीटिंग अंकल। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। अरे भाई अंकल जी, एक नंबर।